أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अस्सलाम अलैकुम बाजी होम शेफ व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है उम्रे के हवाले से, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उम्रे पे जाएंगे। अल्लाह का घर देखने की तो सबको ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला सबको अपना घर बार बार दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये 2018 की वीडियो है जब हम उम्रे के लिए गए थे। तो जब भी खाना काबा पर आपकी पहली नज़र पड़ती है तो आप जो दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। और जब भी आपकी पहली नज़र पढ़े तो आपने ये दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरी हर दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। ना जाने कौन सी घड़ी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है, और जो हम अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पूरे होते हैं। एक दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि हमारी मुँह से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। तो दुख तकलीफ़ शर और ज़र की दुआ कभी भी ना मांगें। कैसी तकलीफ़ हो अपने लिए या अपनी औलाद के लिए या जानो माल के लिए, हरगिज़ ज़ुबान से बददुआ ना निकालें। औरतों को तो खुसूसियत के साथ इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि वो इनको कोसने पीटने की आदत होती है, बात बात में शोहर को, बच्चों को, जानवरों को, हत्ता के घर की हर चीज़ को अपनी बददुआ का निशाना बना देती हैं। फिर जब बददुआ लग जाती है यानी जो मांगा वो मिल जाता है और जानी व माली नुकसान हो जाता है तो रोने और टसमे बहाने बैठ जाती हैं। तो इन्हें भी सोचना समझना चाहिए कि ना जाने कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी है। 21 दिन का हमारा स्टे था और फिर हमने यहाँ 23 दिन स्टे किया, इसलिए कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और जद्दा हमें रुकना पड़ा। फिर हम जद्दा समुंदर की साइड पर आ गए, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था, शाम का टाइम था, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम सब बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ समुंदर दिखा दिया। पाकिस्तान रहते हुए हम कराची कभी भी नहीं गए और कभी भी हम किसी समुंदर पर या दरिया पर हमारा जाना नहीं हुआ। मदीना में और भी ज़्यारतें हमने की हैं और उनकी भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके ही करूँ, ज़रूर करूँगी।
और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इन्होंने तो फर्स्ट टाइम ही समुंदर देखा था, और समुंदर पर शाम के टाइम सूरज ग़ुरूब होने का मंज़र बहुत ही हसीन और दिलकश लगता है। बहुत मज़ा आता है जब हम ये व्यू देखते हैं। और सब यहाँ फिशेस पकड़ रहे थे। तो वो जो हजरात साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि हज उमरे की ज़्यारत ज़रूर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और एक और बात आपसे शेयर करनी थी, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने काम में, यानी कुकिंग के चैनल में बहुत मेहनत होती है इसमें, और चैनल की नस्बत एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ लानी होती है, फिर पका कर सजा कर रखनी होती है, और फिर नाउम्मीदी जब होती है जब बहुत कम सब्सक्राइब होते हैं, और सब्सक्राइब आते हैं और फिर से चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर से चले जाते हैं, मैं बहुत नाउम्मीद हो जाती हूँ। वीडियो को फुल वॉच किया करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी तो हमारा चैनल ग्रो होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।